गूगल को अपनी जानकारी का एकमात्र स्रोत न बनने दें। इस तनावपूर्ण समय के दौरान आपको आवश्यक सटीक मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा तरीका है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर केतन रनपरिया, एक HIV एड्स स्पेशलिस्ट हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी पुरुष या महिला साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध या यौन गतिविधि के दौरान कॉन्डोम फटने के कारण HIV के जोखिम के बारे में चिंतित हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक तनावपूर्ण और भ्रमित करने वाला समय हो सकता है। ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी मौजूद है और कभी कभी यह गलत या पुरानी हो सकती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपके किसी भी संदेह को दूर करेंगे, आपकी चिंता को प्रबंधित करने में मदद करेंगे और आपको अगले कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। आज के वीडियो में हम इस तरह के विषयों को कवर करेंगे। HIV संचरण का जोखिम। हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न समूहों में HIV कितना प्रचलित है और विभिन्न यौन गतिविधियों के लिए प्रतिकार्य संचरण का वास्तविक जोखिम क्या है। HIV टेस्ट। हम विभिन्न प्रकार के HIV टेस्ट, विंडो पीरियड और एक्सपोजर के ठीक बाद आप कौन से टेस्ट करा सकते हैं और कौन से नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। अत्यधिक ऑनलाइन खोज के खतरे। हम पता लगाएंगे कि जानकारी के लिए केवल गूगल और यूट्यूब पर निर्भर रहने से चिंता क्यों हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ऑनलाइन HIV एड्स स्पेशलिस्ट परामर्श सेवा। HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP। हम PAP दवा के बारे में जानेंगे, ये कैसे काम करती है और इसे कैसे प्राप्त करें। एक्सपोजर के बाद की चिंता और भय का प्रबंधन। हम संभावित जोखिम के बाद आपके डर और चिंता को नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य सहायता। हम इस स्थिति के संभावित मनोवैज्ञानिक प्रभाव और इसे कैसे प्रबंधित करें, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास स्पष्ट जानकारी और आगे बढ़ने की योजना होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो बेझिझक वीडियो रोकें और लिख लें। याद रखें, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं अपनी ऑनलाइन HIV पोस्ट एक्सपोजर कंसल्टेशन सेवा पर भी चर्चा करूंगा। यदि आप किसी डॉक्टर से सीधे बात करना चाहते हैं तो वह आपको मदद रूप साबित हो सकता है। आइए एक गहरी सांस लें और शुरू करें। HIV संचरण का जोखिम। आइए यह समझकर शुरुआत करें कि HIV कैसे फैलता है। HIV एक वायरस है जो विशिष्ट शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है, जैसे कि रक्त, वीर्य, योनि तरल पदार्थ और स्तन का दूध। HIV संचरण का जोखिम एक्सपोजर के तरीके पर निर्भर करता है। नशीली दवाओं के इंजेक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली सुइयों को साझा करने से प्रति एक्सपोजर संक्रमण की 0.67% संभावना के साथ सबसे अधिक जोखिम होता है। 0.3% पर HIV संक्रमित चिकित्सा सुई लगने का निकटतम अनुसरण होता है। यौन संचारण की संभावना कम है, लेकिन फिर भी संभव है। यौन गतिविधियों में गुदा मैथुन सबसे अधिक जोखिम रखता है। निष्क्रिय साथी के लिए संक्रमण की संभावना 0.5% और सक्रिय साथी के लिए 0.065% है। योनि मैथुन में जोखिम कम होता है। निष्क्रिय साथी के लिए 0.1% और सक्रिय साथी के लिए 0.05%। मुख मैथुन में सबसे कम जोखिम होता है। निष्क्रिय साथी के लिए संक्रमण की संभावना 0.01% और सक्रिय साथी के लिए 0.005% होती है। यहाँ उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विभिन्न समूहों के बीच HIV की व्यापकता का सारांश देने वाला एक पैराग्राफ है। HIV की व्यापकता विभिन्न आबादी में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है। 15 से 49 वर्ष की आयु की सामान्य जनसंख्या में 0.22% है। हालांकि कुछ समूहों को काफी अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों की संख्या सबसे अधिक 6.26% है। इसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या 3.14% है और पुरुषों के साथ गुदा मैथुन बनाने वाले पुरुषों की संख्या 2.69% है। जेल के कैदियों में ये संख्या 2.10% और महिला यौन कर्मियों 1.56% में भी सामान्य आबादी की तुलना में उच्च प्रसार है। याद रखें, मुख्य बात यह समझना है कि HIV कैसे फैलता है और उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें उच्च जोखिम होता है। यदि आप किसी विशिष्ट स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो किसी डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। HIV परीक्षण। संभावित जोखिम के बाद HIV परीक्षण एक आवश्यक कदम है। यह आपको अपनी HIV स्थिति जानने और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। विंडो पीरियड की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है।
यह उस समय को संदर्भित करता है जब आप एचआईवी के संपर्क में आते हैं और जब एक परीक्षण आपके शरीर में वायरस का विश्वसनीय रूप से पता लगा सकता है। विंडो पीरियड के दौरान एचआईवी परीक्षण नकारात्मक आ सकता है भले ही आप संक्रमित हो गए हो। एचआईवी टेस्ट के प्रकार। विभिन्न प्रकार के एचआईवी टेस्ट उपलब्ध हैं, प्रत्येक का पता लगाने का समय अलग अलग है। रैपिड टेस्ट्स, ये परीक्षण मिनटों में परिणाम प्रदान करते हैं, अक्सर उंगली की चुभन के माध्यम से। सुविधाजनक होते हुए भी प्रारंभिक विंडो पीरियड के दौरान रैपिड टेस्ट्स निर्णायक नहीं हो सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट्स, ये एचआईवी टेस्ट के सबसे आम प्रकार हैं। वे उन एंटीबॉडी का पता लगाते हैं जो आपका शरीर एचआईवी वायरस के जवाब में पैदा करता है। संभावित जोखिम के 3 महीने बाद एंटीबॉडी टेस्ट को आमतौर पर सटीक माना जाता है। परीक्षण की समय रेखा, डॉक्टर आपके संभावित एक्सपोजर के समय के आधार पर सबसे उपयुक्त परीक्षण की सिफारिश करेंगे। यहाँ एक सामान्य दिशा निर्देश है। मेरे द्वारा लिए गए एचआईवी परीक्षण की विंडो पीरियड क्या है? एंटीबॉडी टेस्ट आमतौर पर एक्सपोजर के 90 दिनों के बाद एचआईवी का पता लगा सकते हैं। अधिकांश तीव्र परीक्षण और स्व परीक्षण एंटीबॉडी टेस्ट्स हैं। एक उंगली से रक्त के साथ किया गया रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट आमतौर पर एक्सपोजर के 90 दिनों के बाद एचआईवी का पता लगा सकता है। नस से रक्त का उपयोग करके एक एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट आमतौर पर एक्सपोजर के 45 दिनों के बाद एचआईवी का पता लगा सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट आमतौर पर एक्सपोजर के 17 दिन बाद एचआईवी का पता लगा सकता है। याद रखें, अपनी विशिष्ट स्थिति के आधार पर डॉक्टर के साथ सर्वोत्तम परीक्षण रणनीति पर चर्चा करें। परीक्षण करवाना डरावना नहीं है। एचआईवी परीक्षण एक त्वरित, गोपनीय और अक्सर दर्द रहित प्रक्रिया है। कई क्लिनिक निःशुल्क या कम लागत वाले परीक्षण विकल्प प्रदान करते हैं। परीक्षण करवाना ही आपकी स्थिति जानने और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने का एकमात्र तरीका है। अत्यधिक ऑनलाइन खोज के खतरे। घबराए नहीं, संभावित एचआईवी एक्सपोजर के बाद घबराहट का वह क्षण जहां आप उत्तर के लिए इंटरनेट की ओर भागते हैं। लेकिन बात यह है कि ऑनलाइन बेतहाशा खोज करना वास्तव में फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इंटरनेट सूचनाओं का एक विशाल सागर है और दुर्भाग्य से इसमें से सभी जानकारी सटीक या विश्वसनीय नहीं है। आप पुरानी जानकारी, सबसे खराब स्थिति या यहां तक कि ग्राफिक सामग्री पर ठोकर खा सकते हैं जो आपकी चिंता को बढ़ा सकती है। ये गूगल ओवरलोड आपको और भी अधिक तनावग्रस्त और भ्रमित महसूस करवा सकता है। यहां मैं क्या निवेदन करता हूं? गहरी सांस लें और मोबाइल से दूर हो जाएं। याद रखें, सटीक जानकारी प्राप्त करना और अपने तनाव का प्रबंधन करना अभी महत्वपूर्ण है। गूगल के बजाय डॉक्टर क्यों चुने? एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर नवीनतम एचआईवी अनुसंधान और उपचार विकल्पों पर अपडेट रहते हैं। वे आपकी विशिष्ट स्थिति पर विचार कर सकते हैं और उपयुक्त सलाह दे सकते हैं। वे आपकी चिंता को प्रबंधित करने और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपकी सहायता कर सकते हैं। डॉक्टर से बात क्यों करें? हालांकि इंटरनेट एचआईवी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श लेने का कोई विकल्प नहीं है। उसकी वजह यहाँ है, व्यक्तिकृत मार्गदर्शन। सामान्य वेब खोज के विपरीत एक डॉक्टर आपकी विशिष्ट स्थिति और जोखिम कारकों का आकलन कर सकता है। यह उन्हें अनुरूप सलाह प्रदान करने और आपके किसी भी प्रश्न का सीधे उत्तर देने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक कॉन्डोम के फटने से संचरण का जोखिम असुरक्षित गुदा मैथुन से भिन्न होगा। स्पष्ट कार्य योजना, आपकी स्थिति के आधार पर डॉक्टर उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पेप। यदि आप हाल ही में किसी संभावित संपर्क में आए हैं, तो पीएपी दवा आपके एचआईवी होने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है। एक डॉक्टर यह निर्धारित कर सकता है कि पीएपी आपके लिए सही है या नहीं और यदि आवश्यक हो तो दवा लिख सकता है। एचआईवी परीक्षण, डॉक्टर एचआईवी परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और विंडो पीरियड के बारे में बता सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप सबसे सटीक परिणामों के लिए सही समय पर परीक्षण करवाएं। परामर्श, डॉक्टर भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं और आपकी किसी भी चिंता का समाधान कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे आपको अतिरिक्त संसाधनों से भी जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श, सुरक्षित, सुविधाजनक और पृथक। कई लोग विभिन्न कारणों से क्लिनिक में जाने से झिझकते हैं। शुक्र है, डॉक्टर केतन रनपरिया के ऑनलाइन परामर्श एक सुरक्षित और गोपनीय विकल्प प्रदान करते हैं।
किसी डॉक्टर से ऑनलाइन बात करना, सटीक जानकारी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और इस दौरान आपको आवश्यक सहायता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। चिंता या फिजिकल क्लिनिक तक पहुंच की कमी को पेशेवर मदद लेने से न रोकें। हमारी ऑनलाइन सेवाएं। यदि आपके साथ कोई संभावित HIV एक्सपोजर हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण बात कार्रवाई करना है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं? परीक्षण करना। प्रारंभिक परीक्षण महत्वपूर्ण है। सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर केतन रनपरिया के साथ उचित परीक्षण समय रेखा पर चर्चा करें। डॉक्टर केतन रनपरिया से बात करें। एक डॉक्टर आपकी विशिष्ट स्थिति का आकलन कर सकता है, यदि उपयुक्त हो तो पैप की सिफारिश कर सकता है, आपकी चिंताओं का समाधान कर सकता है और अगले चरणों में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ऑनलाइन परामर्श। मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर के पास जाना हर किसी के लिए सुविधाजनक नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं HIV के संपर्क के बाद की चिंताओं के लिए गोपनीय ऑनलाइन परामर्श प्रदान करता हूँ। हमारे परामर्श के दौरान हम आपकी स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं, आपके विकल्पों का पता लगा सकते हैं और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऑनलाइन परामर्श के लाभ। सुविधा। अपने घर की सुविधा और गोपनीयता से अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। यात्रा करने या प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवेक। फिजिकल क्लिनिक में किसी को भी अपनी स्थिति बताए बिना पूरी गोपनीयता बनाए रखें। अभिगम्यता। भले ही आप दूरदराज के इलाके में रहते हो, HIV/AIDS स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। अतिरिक्त संसाधन। ऑनलाइन परामर्श के अलावा मैं आपको ऑनलाइन लैब परीक्षण सेवाओं से भी जोड़ सकता हूँ। ये सेवाएं घर या आसपास के स्थान पर HIV परीक्षण के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प प्रदान करती हैं। याद रखें, सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। संपर्क करने में संकोच न करें, चाहे वह ऑनलाइन परामर्श के लिए हो, परीक्षण सेवाओं के लिए हो या बस अधिक जानकारी के लिए हो। इस दौरान आपकी सहायता के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। कार्रवाई करके और मार्गदर्शन प्राप्त करके आप इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपट सकते हैं और मानसिक शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पैप। यदि आप हाल ही में HIV के संभावित संपर्क में आए हैं तो वायरस को आपके शरीर में स्थापित होने से रोकने में मदद करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या PEP। PEP क्या है? PEP एक दवा है जिसे आप HIV के संभावित जोखिम के तुरंत बाद लेते हैं। एक्सपोजर के 72 घंटे के भीतर शुरू होने पर यह सबसे प्रभावी होता है। दवा आपके शरीर में वायरस की प्रतिलिपि बनाने और फैलने की क्षमता को अवरुद्ध करके काम करती है। क्या PEP मेरे लिए सही है? संभावित जोखिम वाले हर व्यक्ति को PEP की आवश्यकता नहीं है। एक डॉक्टर यह निर्धारित करने के लिए आपकी विशिष्ट स्थिति और जोखिम कारकों का आकलन करेगा कि PEP आपके लिए सही है या नहीं। जिन कारकों पर वे विचार कर सकते हैं उनमें शामिल हैं एक्सपोजर का प्रकार, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध या सुई साझा करना, आपके साथी की HIV स्थिति यदि जानते हो, एक्सपोजर के बाद से बीता हुआ समय, PEP दवाएं और अवधि। यदि डॉक्टर केतन रनपरिया निर्धारित करते हैं कि PEP आपके लिए सही है तो वह विशिष्ट दवाएं लिखेंगे और उपचार की अवधि की रूपरेखा तैयार करेंगे। आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और संभावित दुष्प्रभावों के आधार पर सटीक मात्रा भिन्न हो सकती है। PEP को सबसे प्रभावी बनाने के लिए उपचार की खुराक, आवृत्ति और अवधि के संबंध में डॉक्टर केतन रनपरिया के निर्देशों का सटीक रूप से पालन करना महत्वपूर्ण है। साइड इफेक्ट्स। PEP दवाएं उल्टी, थकान, सिरदर्द और चक्कर आना जैसे साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं। ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पर हल्के और अस्थायी होते हैं और अधिकांश लोग PEP को अच्छी तरह सहन कर लेते हैं। हालांकि अपनी किसी भी चिंता के बारे में डॉक्टर से चर्चा करना महत्वपूर्ण है। वे साइड इफेक्ट्स के प्रबंधन पर सलाह दे सकते हैं या यदि आवश्यक हो तो आपकी दवा को समायोजित कर सकते हैं। याद रखें, PEP सुरक्षित यौन व्यवहार का विकल्प नहीं है। ये संभावित जोखिम के बाद एक आपातकालीन उपाय के रूप में है। PEP अन्य यौन संचारित संक्रमणों को नहीं रोकता है। अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना। शीघ्र चिकित्सा सलाह प्राप्त करके और यदि अनुशंसित हो तो PEP शुरू करके आप संभावित जोखिम के बाद HIV प्राप्त करने के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। एक्सपोजर के बाद की चिंता और भय का प्रबंधन। संभावित HIV एक्सपोजर के बाद चिंता महसूस करना पूरी तरह से समझ में आता है। यह एक तनावपूर्ण स्थिति है और बहुत सारे प्रश्न और चिंताएं होना सामान्य है। हालांकि आप अपनी चिंता को प्रबंधित करने और अधिक नियंत्रण महसूस करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं।
अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को बोतल में बंद करने की कोशिश न करें। अपने आप को चिंतित महसूस करने दें, लेकिन इसे आप पर हावी न होने दें। विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या प्रगतिशील मांसपेशी आराम जैसी तकनीकें आपके दिमाग और शरीर को शांत करने में मदद कर सकती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक के साथ अपनी चिंताओं को साझा करना आपके द्वारा महसूस की जा रही कुछ चिंताओं को दूर करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस पर बात करने से आपको परिप्रेक्ष्य हासिल करने और समर्थित महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपनी ऑनलाइन खोज सीमित करें। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अत्यधिक ऑनलाइन खोज वास्तव में चिंता को बढ़ा सकती है। सरकारी स्वास्थ्य वेबसाइटों या HIV एड्स जागरूकता पर केंद्रित संगठनों जैसे विश्वसनीय स्रोतों पर टिके रहें। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। हालांकि आप अतीत को नहीं बदल सकते, आप आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसमें परीक्षण करवाना, PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस दवाई या HIV परीक्षण के बारे में डॉक्टर से बात करना शामिल हो सकता है। डॉक्टर से मदद मांगना। यदि आप अपनी चिंता को स्वयं प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो डॉक्टर से मदद लेने में संकोच न करें। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रनपरिया आपको अतिरिक्त इलाज सिखा सकते हैं और इस कठिन समय के दौरान भावनात्मक सहायता प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं समर्थन। भावनात्मकता। संभावित HIV एक्सपोजर एक बहुत ही तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण अनुभव हो सकता है। विभिन्न प्रकार की भावनाओं को महसूस करना सामान्य है, जैसे कि डर। आप अपने स्वास्थ्य, भविष्य और अपने प्रियजनों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंतित हो सकते हैं। शर्म। आप एक्सपोजर के आसपास की परिस्थितियों के बारे में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। एकांत। जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी से बात करने और सामाजिक मेलजोल से हटने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। ये सभी भावनाएं मान्य हैं और इन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। समर्थन ढूंढना। संभावित एक्सपोजर के भावनात्मक प्रभाव को प्रबंधित करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करें। एक डॉक्टर आपको भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है और आपकी चिंताओं से निपटने के लिए आपकी सहायता कर सकता है। वे HIV के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकते हैं और परीक्षण और उपचार प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें। अपनी चिंताओं को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना जिस पर आप भरोसा करते हैं, आपके ऊपर मौजूद भावनात्मक बोझ को कम करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस पर बात करने से आपको परिप्रेक्ष्य हासिल करने और समर्थित महसूस करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और इस कठिन समय में आपकी मदद करना चाहते हैं। समर्थन के लिए संकोच न करें। ज्ञान ही शक्ति है। आज मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको ज्ञान प्रदान किया है और HIV के संपर्क में आने के बाद से जुड़े कुछ भ्रमों को दूर किया है। याद रखें, ये वीडियो एक सामान्य मार्गदर्शक के रूप में बनाया गया है। विशिष्ट सलाह के लिए और आपको महसूस होने वाली किसी भी चिंता का निराकरण करने के लिए HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। वे आपकी अनूठी स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। संपर्क करने में संकोच न करें। चाहे आप ऑनलाइन परामर्श चुने या व्यक्तिगत मुलाकात, सहायता प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। संसाधन उपलब्ध हैं और आपको इससे अकेले गुजरने की जरूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेते हुए और मार्गदर्शन प्राप्त करके आप आत्मविश्वास के साथ इस स्थिति से निपट सकते हैं और शांति की भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं।